बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थोड़ा सा कारोबारी मुताले कुछ बताना चाहता हूँ। ये हनी बी फार्मिंग है दोस्तों। मैं जिधर काम करता हूँ उधर से मेरे बहुत वसी साइट्स हैं, क्योंकि मैं द साइट्स सुपरवाइज़र हूँ। साइट्स इट मीन वेरियस साइट्स आई कवर, सो बहुत से इलाकों के इंसान आते हैं। तो इसमें मैं बहुत से रंग देखता हूँ कि आया कि किस तरह कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह अपनी मक्खियाँ पाल रहा है, क्या गलती कर रहा है, कोई क्या बेहतरी कर रहा है। तो इसमें बहुत से पॉइंट मैंने नोट किए जो आपकी खिदमत भी पेश करूंगा इंशाल्लाह ताला। गौर से सुनिएगा, आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। बहुत से कंपनियां ये सीजनल लेवल पे मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं, जंगलों में, रोडों के साथ मुख्तलिफ जगहों पे रखते हैं। तो उससे मैंने नज़ारे देखकर बहुत कुछ सीखा कि क्या गलतियां करते हैं, क्या अच्छाइयां करते हैं, और गलती से क्या उनको मुश्किल होता है, क्या क्या मटेरियल चाहिए। देखो, पाकिस्तानी मार्केट में मैंने देखा थोड़ा सा वीडियोज़ में, अभी प्रैक्टिकली नहीं देखा ऑन द ग्राउंड, लेकिन उसमें मुख्तलिफ वसाइल मुख्तलिफ निज़ाम का इस्तेमाल करते हैं, इधर मुख्तलिफ निज़ामों का इस्तेमाल करते हैं। और जो इसके खाने होते हैं ये पालतू हनी बी के, वो बहुत वेरी करते हैं। इट्स डिपेंड के बंदों की हैसियत, चॉइस और बंदूक की मेंटेलिटी पे डिपेंड करते हैं, कौन कौन सा चीज़ इस्तेमाल करता है, कौन कौन सा चीज़ इस्तेमाल करता है। कोई तो उस तरह है चीनी नुमा कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई टेक्निकली अपना नाम है उन फूड का। तो वो इनको फीड करवाते हैं, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको दे देते हैं। कोई ख़ास किस्म का पाउडर इस्तेमाल करते हैं जो ये एक इनिशियल एक खाना बनाते हैं हनी से पहले, ये जो मुख्तलिफ फूलों में घूम कर उस किस्म का कोई चीज़ लाते हैं, उसका ऐसे अच्छा खासा कोई नाम है। मैं इसके डीप में नहीं गया, जस्ट रफली आइडिया दे रहा हूँ। आप भी उसको साइंटिफिकली मत ले लें, फर्दर आपको कोई करना है तो तहकीक कर लें। और कोई लिक्विड, मुख्तलिफ किस्म के लिक्विड अमेरिकन, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, जापानीज लिक्विड लाते हैं, कंटेनरों में आता है मुख्तलिफ, बड़े कंटेनर नहीं यानी कि बाल्टीन के कंटेनरों में आता है, मुख्तलिफ पैकेजेस में, पैकेट्स में आता है, तो वो उनको दे देते हैं। बक्सों के साइज़ जो होते हैं ये बहुत मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ पैटर्न के साथ। जो वेक्स है वो वेक्स के भी दो तीन किस्म हैं, और उनके जो है ना उनके मटेरियल की किस्में हैं, और बने हुए तरीके के भी किस्में हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से बने होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के बने होते हैं वेक्स। लेकिन ऐसे अजीब तरीक़ों से, अजीब मशीनों से बने होते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बने होते हैं। नेचुरल उसमें से जो है ना वो उसमें नेचुरली ही फितरती महसूस करते हैं बीज, हनी बीज, शहद की मक्खियाँ। उसमें मटेरियल इस किस्म का इस्तेमाल होता है कि अजब आता है। ये मटेरियल ऐसा है, कुदरत के सिवाय इसका कोई हल ही नहीं है, लेकिन साइंसदानों को सलाम, फिर पैसे को सलाम। देखें, खून, मस्नूई खून बनाया जाए तो वो अजीब लगेगा ना इंसान को, थोड़ा हैरत आएगा। जो प्लास्टिक के पाँव बनाते हैं वो बात और है, मस्नूई खून बनाए वो और बात है। वेक्स इस तरह एक उजवी और गोश्त जैसा चीज़ है, वो बनाते हैं, अजब आता है। उसमें नेचुरली वो अपना अंडे देते हैं, नेचुरली उसमें वो शहद देती हैं मक्खियाँ। तो अल्लाह सुबहान व तआला की रंगी रंग हैं। मैंने इसको देखा अक्सर इन इन शहद फार्मिंग के बंदों को, वो कोई कोई होते हैं अनाड़ी, लागर्ज, या उनको पैसा ज़्यादा होता है, या नातरस होते हैं, या गलती करते हैं जाने अनजाने में, कि जो लिक्विड फ्लूइड किस्म के फूड कम रखते हैं, या पानी नहीं रखते या कम रखते हैं जो उनकी ज़रूरियात के लिए कारामद होता है, तो पानी न होने की वजह से हज़ारों लाखों की तादाद में मरते हुए मैंने देखे। होते हैं तो ओरिजिनली करोड़ों में उनकी तादाद, लाखों में उन्हें मरते हुए देखे। मैंने कार्टून के कार्टून भरे हुए मक्खियों से मरे हुए देखे, बहुत दुख हुआ। तो इनके फ्लूड जो है ना, फ्लूड किसी भी किस्म का हो, चाहे उनका आम कॉमन फ्लूड हो, चाहे इनका खुराक वाला फ्लूड हो, पानी हो, वो लाजिम देना चाहिए।
अगर उसके पानी में थोड़े से गुलाब के कतरे डाले जाएं तो बहुत बेहतर होगा, वो मोहब्बत से वो पानी पिएंगे। अल्लाह सुबहान तआला ने एक खूबसूरत तरीन मखलूक खलका है जिनका कुरान में जिक्र है, तो वो हिकमत वाले ही है ना, उनकी आदतें भी हिकमत वाले ही हैं। तो बहुत ही कमाल कारोबार है। इधर यहाँ तो ओरिजिनल जो होते हैं नेचुरल जो हनी किलो होता है वो 400 तक भी है, 400 मीन के 30,000 पाकिस्तानी में, 25,000 में भी। हाँ जो ये है तो हाफ नेचुरल यानी मक्खियों से, लेकिन आर्टिफिशियल खुराक दे के ये सामान लिया जाता है। तो इसका भी 40-50-60 में किलो है, तो या 100 तक भी कहीं किलो है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाए हैं 100 के हिसाब से किलो भी 5,000 में किलो है। और ऐसे जो मेरे वीडियो में दिख रहा है इसके से मत बहुत कुछ दिखा रहा हूँ, लेकिन ये मुख्तसर से एक एक घर में जो एक मैं एक टुकड़ा टुकड़ा दिखा रहा हूँ, तो इसमें आप अंदाज़ा करें 50 से 100 पेटी से 2-3 ड्रम तक निकलता है। अगर ड्रम की बात की जाए तो 200 लीटर, दो ड्रम की बात की जाए 400 या 600 लीटर। ऐसे मोतदल 100 घर वाले मक्खी से 3 ड्रम निकले तो 600 लीटर, और 600 लीटर अंदाज़ा करें कि कम इज़ कम 100 में चला जाए, 600 मल्टीप्लाई बाय 600 इधर की लोकल करेंसी में, देन कन्वर्ट इन पाकिस्तानी रुपीज, ये एटलीस्ट कई करोड़ में बनते हैं। तो अल्लाह सुबहान व तआला के हैरत अंगेज रंग हैं। दोस्तों ये रफ सा आइडिया, रफ सा इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने पेश किया। उम्मीद है वीडियो और मेरी मालूमात से आपने इंजॉय किया होगा, और फर्दर मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हाजिर हो जाऊंगा एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ इंशाल्लाह ताला। बारकल्लाह फीक।